हार्पर कॉलिंस की प्रस्तुति आस्था, हिंदू धर्म में 40 प्रबोधन। लेखक देवदत्त पट्टनायक, अनुवाद अर्चना शर्मा, आवाज दारेन शाहिदी। आखिर ये किताब क्यों? इस किताब के होने के पीछे दो मुख्य वजहें हैं, एक का संदर्भ अतीत से और दूसरी का भविष्य से। पहले अतीत से संबंधित वजहों पर गौर करते हैं। ज्यादातर हिंदुओं को किसी भी बात की शुरुआत कैसे हुई इसका ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण तार्किक आधार पर अपने ही बच्चों को किसी भी हिंदू रीति रिवाज या आस्था के बारे में समझाना मुश्किल होता है। ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि इस्लाम और ईसाई धर्म की तरह हिंदू धर्म बहुत व्यवस्थित नहीं है। मुश्किल तब ज्यादा हो जाती है जब हिंदू धर्म से संबंधित प्रश्न विरोधी तेवरों का सामना करते हैं। मामला तब और भी बिगड़ जाता है जब उन जवाबों को नकारा जाता है और हिंदुओं को रक्षात्मक, क्षमायाचक और यहां तक कि अंध राष्ट्रवादी करार दे दिया जाता है। भूमंडलीकरण की कार्यपद्धति उन पाश्चात्य मानवीय मूल्यों पर आधारित है जिसमें सामाजिक न्याय पर बल दिया जाता है और जिसकी जड़ें पाश्चात्य धर्म में है। एक तरफ तो ये अपने धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ उनके धार्मिक मूल्य उस सिद्धांत पर आधारित हैं जिनके अनुसार ईश्वर कयामत के दिन फैसला सुनाते हैं। इस विरोधाभास को मानने वाले पाश्चात्य विचारवादी पूर्वी विचारधारा से खासा मतभेद रखते हैं, खासकर हिंदुओं से, जहां भगवान कोई जज या न्यायाधीश नहीं होते और कोई कयामत का दिन नहीं होता। इसी बात को समझाने के लिए इस किताब की जरूरत महसूस हुई। दूसरी वजह भविष्य से संबंधित है। हिंदुओं को काल, देश, सीमा और पौराणिक पैमानों में विशुद्ध हिंदू धर्म की तलाश करने की अवधारणा से ऊपर उठना होगा, क्योंकि इस वजह से रूढ़िवादिता पैदा होती है। भूमंडलीकरण के दौर में जहां लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं, कई लोगों से मिलते जुलते हैं, ऐसे में हिंदू धर्म को एक विशाल नजरिए की जरूरत है। बदलाव के संदर्भ में देखें तो जड़ों से ज्यादा झुकाव फलों की तरफ है। ग्रामीण भारत में पालन किया जाने वाला हिंदू धर्म शहरी भारत में पालन किए जाने वाले हिंदू धर्म के समान नहीं होगा। उसी तरह से अमेरिकी, यूरोपीय, ऑस्ट्रेलियाई, अफ्रीकी या चीनी परिवेश में पालन किया जाने वाला हिंदू धर्म भी अलग होगा। इसका पुनर्निर्माण और पुनर्व्याख्या जरूरी है ताकि समसामयिक संदर्भों में इसकी प्रासंगिकता बनी रहे। हमें यह याद रखना चाहिए कि कैसे हिंदू ऋषियों ने, जिन्होंने धर्म ग्रंथों की रचना की, हमेशा से इस बात पर खासा जोर दिया कि काल, स्थान और पात्र के अनुसार नियमों को अपनाया जाना चाहिए। उस एक सत्य की अवधारणा जो संपूर्ण, सीमित, वैश्विक और सभी के लिए प्रासंगिक हो, वो हिंदू मान्यता है ही नहीं। ईश्वर, सत्य और विवेचना में विविधता के लिए एक सहानुभूतिपूर्ण भाव को समझ पाना हिंदू धर्म को सही अर्थों में समझ पाने की कुंजी है। आस्था हिंदू धर्म के सवालों का प्यार और मान से भरा जवाब है। ये उन सभी तथ्यों को उपलब्ध कराती है जो आखिरकार मेरी व्यक्तिगत समझ, वर्षों के अध्ययन और हिंदू तथा विश्व के पुराणों के परस्पर तुलनात्मक अध्ययन का परिणाम है। माइथोलॉजी सांस्कृतिक सत्यों को उजागर करती है जो कहानियों, संकेतों और कर्मकांडों में निहित है। जब आप इस किताब को सुन रहे हैं
तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि प्रकृति विविधतापूर्ण है, संस्कृति गतिशील है और हमारा मन जो विचारों का आदान प्रदान करता है उसकी अपनी सीमाएं हैं। परिपूर्णता की तलाश न करें न मंजिल की, तलाश करें प्रवृत्तियों, बहाव और दिशाओं की, क्योंकि अनंत पुराणों में छिपा है सनातन सत्य, इसे पूर्णतः किसने देखा है। वरुण के हैं नयन हजार, इंद्र के 100, आपके मेरे केवल 2। देवदत्त पटनायक। मान्यता। एक, वैदिक मूल्य और हिंदुओं के भारतीय लोकाचार क्या हैं? हालांकि वैदिक और हिंदू इन दोनों ही शब्दों का एक समान प्रयोग होता है, पर तकनीकी तौर पर ये दोनों शब्द समान नहीं हैं। वैदिक काल बुद्ध से पहले का कालखंड है, जो कि करीब 3000 वर्ष पुराना है। हिंदू धर्म का जो स्वरूप हम आज देखते हैं वो लगभग 2000 वर्ष पहले आकार लेता है, जब रामायण, महाभारत, उपनिषद के साथ साथ धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्षशास्त्र भी अपनी प्रगति के चरमोत्कर्ष पर थे। भक्ति अपने संपूर्ण ऊंचाई पर 1000 साल पहले ही पहुंची। हालांकि इस पूरे दौर में कुछ विचार एक समान बने रहे, लेकिन क्या इन विचारों को हम मूल्य कह सकते हैं? वैश्विक मूल्यों की धारणा, जिसे हम कॉरपोरेट जगत में भी देखते हैं, वो अब्राहमी माइथोलॉजी से आती है, जहां अब्राहमी देवता कुछ नियम कायदे निर्धारित करते हैं जिसके हिसाब से मनुष्यों को अपना जीवन जीना चाहिए। इन नियमों और मूल्यों को वो अपने देवदूत या पैगंबर द्वारा प्रसारित प्रचारित करते हैं। ये सभी मनुष्यों के लिए एक समान है, क्योंकि अब्राहमी मैथोलॉजी के अनुसार ईश्वर की नजर में सभी मनुष्य एक समान हैं। इसलिए सभी के लिए एक ही तरह के नियम और मूल्य लागू होते हैं। हालांकि कुछ लोग सही नियम और मूल्य संहिता क्या हो की भी बात करते हैं। इसी मतभेद की वजह से यहूदियों, मुस्लिमों और ईसाइयों के बीच लड़ाई होती है। यहां तक कि इस बात पर भी मतभेद है कि आराम या छुट्टी का दिन शुक्रवार, शनिवार या फिर रविवार होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ईश्वर की जगह वी द पीपल यानी हम सभी मनुष्य या राज्य का प्रयोग करते हैं और उन्हीं अब्राहमी मूल्यों, विचारों पर शासन प्रणाली चलती है, जिसका पालन सभी को करना होता है। वैदिक विश्व दृष्टिकोण बहुत अलग है। वो नियम और मूल्यों के बजाय मनुष्य की बुद्धि के क्रमिक विकास पर आधारित है। यहां प्रकृति संस्कृति से पहले आती है। ये काफी हद तक जंगल के कानून पर आधारित है, जहां जिसकी लाठी उसी की भैंस या फिर जो शक्तिशाली है वही विजयी होता है। ये भय और भूख से इतना ज्यादा संचालित होते हैं कि यहां पशु खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, अपने इलाके निर्धारित करते हैं। मनुष्य एक कल्पनाशील पशु है। हमारे भीतर जंगली तरीकों को नकारने की काबिलियत है। हम मजबूर की सहायता कर सकते हैं, हम निर्बल को साधन मुहैया करा सकते हैं। हमें झुंड या कबीले बनाने की जरूरत नहीं। हमें दूसरों पर हुक्म चलाने या अपने इलाके निर्धारित करने की भी आवश्यकता नहीं है। यही धर्म है। जब हम इसका पालन नहीं करते, जब हम अपनी क्षमताओं के दायरे में नहीं होते, तब हम अधर्म का पालन करते हैं। मनुष्यों में सोचने समझने की बुद्धि है, जिसके कारण वो दूसरों यानी पर आत्मा के बारे में सोच सकता है
और जीव आत्मा से उठकर पर आत्मा तक पहुंच सकता है। जब हम ऐसा करते हैं तभी हम अपनी क्षमता को सही मायने में जीते हैं। हम क्रमिक विकास कर रहे हैं। पिछले 3000 वर्षों में जब हम हिंदू धर्म में वैदिक से पौराणिक बदलाव का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि अनंत, अनेक और अनित्य जैसे संदर्भों से एक तरह का जुनून देखने को मिलता है। ये उस वैश्विक दृष्टिकोण को स्थापित करता है जो अब्राहमी विचारधारा का बिल्कुल उल्टा है, जो दुनिया को नियम और मूल्यों से ठीक रखने की जुगत लगाता है। हिंदूवादी दुनिया में हर किसी का अपना एक अलग संदर्भ है, हर किसी की अलग अलग इच्छाएं, जरूरतें, भूख और भय है। स्थान, काल और पात्र के हिसाब से मूल्य और कानून बदलते हैं। चूंकि अब्राहमी माइथोलॉजी समानता को प्रधानता देती है, इसलिए वो विरूपता की जगह समरूपता को ज्यादा महत्व देती है। हिंदू माइथोलॉजी विविधता को महत्व देती है और इस बात का सम्मान करती है कि एक बहुआयामी समाज में एक तरह के नियम या मूल्य नहीं हो सकते। साथ ही साथ हिंदू माइथोलॉजी परिवर्तनशीलता को कर्ता मानती है, विचार जिसके अनुसार हर चीज वक्त के साथ बदल जाती है। यही वजह है कि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और नियम तोड़ने वाला खलनायक रावण भी है। वहीं महाभारत में नियम के विरुद्ध जाने वाले नायक कृष्ण हैं और नियम का पालन करने वाला खलनायक दुर्योधन है। समस्या नियम या मूल्य नहीं है, समस्या आज्ञा पालन या आज्ञा उल्लंघन भी नहीं है। समस्या हमारे अंदर की जो पाश्विकता है, जो संभावित मानवीय संवेदना को उभार नहीं पाती। वैश्विक वैदिक विचार में फोकस नियम और मूल्य, आज्ञा पालन और सजा पर नहीं है। इसमें फोकस या केंद्र बिंदु धर्म पर है। जागरूकता के साथ दूसरों के साथ जुड़ना और अपने भय और भूख पर काबू पाना। अधिक क्षुधा, भूख और भय अहम को पोषित करती है और हमें आत्मा से दूर ले जाती है। जब मनुष्य अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए दूसरों को काबू करने की कोशिश करता है तब उसका अहम है जो क्रियाशील होता है। जब हम लोगों को एक दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण आचरण के लिए समर्थ बनाते हैं और खुशहाली लाने की कोशिश करते हैं बजाय किसी को हराने या नियंत्रित करने के, तब हमारी आत्मा काम कर रही होती है। नियम और मूल्य तो बस विचार हैं। अंत में सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ अपने जीवात्मा के लिए काम करते हैं या फिर हम परात्मा के प्रति भी चिंताशील हैं। राम और कृष्ण दूसरों के लिए सहायक हैं, जबकि रावण और दुर्योधन स्वयं के लिए। हम सब इन सब के बीच में आते हैं इस उम्मीद में कि हम धर्म और आत्मा राम कृष्ण की तरफ प्रेरित हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया के अब्राहमी धर्म जहां अपनी धर्मनिरपेक्ष नीतियों से दुनिया में सुधार करना चाहते हैं, हिंदू धर्म संवेदनाओं और मानसिक विस्तार पर ज्यादा तवज्जो देता है। ये अधीर लोगों के लिए नागवार हो सकता है, पर इतनी जल्दी भी क्या है? ये संसार अंतहीन है और हिंदू धर्म के अनुसार ये जन्म तो असंख्य जन्मों में से एक है। दो, हिंदू धर्म के अनुसार इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? हिंदू धर्म में संसार की उत्पत्ति को लेकर एक ही कहानी नहीं है। बाइबल में मिलने वाली जेनेसिस या प्रारंभ की कहानी।
We hope you enjoyed this preview. To continue listening to this audiobook on Google Play Books, use the link in the video description.